नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव में 560 वार्डों में दो फेज में वोटिंग रखी गई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 3 नवंबर को इसके नतीजे भी आपके सामने आ जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के 6 नवगठित नगर निगमों जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के सभी 560 वार्डों में होने वाले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सभी निगमों में सदस्यों के पदों के लिए दो चरणों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान और 3 नवंबर को मतगणना करवाई जाएगी। साथ ही साथ जबकि महापौर का चुनाव 10 नवंबर और उप महापौर का चुनाव 11 नवंबर को करवाया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही जयपुर, जोधपुर, कोटा में आचार संहिता भी लागू हो गई है। तीनों जिलों में तबादली पर भी रोक रहेगी। साथ ही साथ तीनों जिलों में आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधान प्रभावी होंगे। नए सरकारी कामों की घोषणा, शिलान्यास, उद्घाटन पर रोक रहेगी। आपको बता दूं, मंत्री सरकारी गाड़ी से प्रचार में नहीं जा सकेंगे। साथ ही तीनों जिलों से जुड़ी कोई सरकार योजना की घोषणा नहीं हो सकेगी। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।